आज हम लोग का बहुत बहुत ही बड़ी अच्छा जीवन है, क्योंकि श्री शांति व्याप्ति हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। ये संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम तो हम पैसा भी बल पर कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम तो हम अगर हमें कोई मदद करने वाले कोई हो यदि जो काम को उसको कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास मन का बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्मबल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने जो श्रीमद् भागवत कथा रखवाई कहते इतना तो कोई पैसा की बल पर कर सकता है, न तो कोई जन की बल पर कर सकता है, न तो कोई मन की बल पर कर सकता है, न तो कोई आत्म बल पर कर सकती है। जब तक श्री बांके बिहारी जी की, जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा बल नहीं हो कभी ये कथा कोई रख भी नहीं सकते और कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य कब होता है, बोले जन्मांतरे भवे तो पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम कथे परी, बोले एक जन्म नहीं बोले जन्मांतरे भवे तो पुण्यम, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले एक जन्म नहीं बोले बहु जन्म समर्जित है ना, करोड़ों करोड़ों जन्म का संचित पुण्य से ही ये भागवत कथा कोई रख सकते और कथा सुना सकते। देखो पीछे जो बच्चे लोग बैठे हैं ना हरे कृष्णा, ये बच्चों को अलग अलग है, वो जो छोटा बच्चा बैठा उसको आगे कर दो, छोटे बच्चे को आगे कर दो, इधर आ जा सामने आ जा, नहीं तो कथा नहीं सुनो, सामने भेज दो उसको, इधर इधर आ जा अकेला बैठा, और दोनों एक साथ मत बैठो ठीक है, दोनों अलग अलग बैठो। अभी ठीक से कथा सुनो ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए शंकर जी ये माता पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज आसानी से मिलती है लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़े सौभाग्यवान को मिलता है। तब मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप किसकी बात करते हो बड़े सौभाग्य से मिलता है। देखो जो जो स्वयं शंकर है जो सत्यम शिवम सुंदरम को स्वयं कहते हैं, किसको कह रहे हैं, एरेगर व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, कि जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती को ये बात सुनाते हैं। पार्वती साधारण भाग्य से ये कथा नहीं सुनने को मिलती है। पार्वती जब प्रश्न करती है प्रभु किस चीज बात करते हो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले संगते दुर्लभ संसार I'm
पार्वती ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो सत्संग है पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है। कहते निमिषा दंडवर को अगर जीवन में ये सत्संग अगर हमें एक क्षण जिसको गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी और आधी से पुण्य आग तुलसी शब्द संकत में नासे कोटि अपराध। अगर जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी अगर उससे आधी से आधी अगर समय मिल जाए ये भागवत कथा सुनने के लिए जीवन का सारे क्लेश को जीवन का सारे दुख कष्ट को ये दूर कर देता है। ये साधु संत की भागवत कथा की इतने महत्व है। जब शंकर जी बोले पार्वती ये जीवन में भागवत कथा बड़े भाग्य लाल को मिलता है। देखो पार्वती क्या प्रश्न करती है, कहते प्रभु ये दुर्लभ कहा देखो सुलभ है। अब लोग भागवत कथा कर रहे हैं हमारे श्री राजवीर सिंह, राजवीर सिंह बोले इन्होंने देखो बड़े सुंदर कांडले बनाए, भक्तों को बुलाए, माइक बनाए, प्रचार बैनर भी लगाए है ना, और घर घर में निमंत्रण भी दिए होंगे भागवत कथा होगी सब कथा सुनने के लिए आओ, भागवत कथा सुनने के लिए आओ, सबका निमंत्रण भी दिए होंगे ना। तो यहाँ पर श्री माता पार्वती प्रश्न करती है बोले प्रभु ये दुर्लभ का ये तो सुलभ है, ये सुलभ होगी कि नहीं। लेकिन देखो शंकर जी उसकी दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, सरती का चिनाए अभी तक दुनिया में किसका किसने काम निपटा है, किसका दुनिया में कोई निपटाया है, क्या हम सबके सब सेटिंग करके आ जाएंगे, हम सबके सब सेटिंग है, हमारा बेडरूम भी सेटिंग है, डाइनिंग रूम भी सेटिंग है, किचन रूम में सेटिंग है, एक चीज हमारे अब सेटिंग क्या ये मन ही केवल सेटिंग नहीं और सब सब सेटिंग केवल मन ही अब सेट हमारे। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई और राम कृपा बिनो आए जाए। अगर आप इसको पता चल जाए यहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान आ रहा है, यहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान आ रहा है, नहीं तो अमिताभ बच्चन नहीं ऐश्वर्या राय आ रहे हैं। अब देखना कितने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, किसको बोलना पड़ेगा जाने के लिए, इतने हजार काम होगा ना उसको सब के सब पीछे ले और वहां पहुंच जाएंगे। शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर किसी बोले भागवत कथा ठाकुर जी का नाम भगवान जिसमें शांति और आत्मा को जिसमें सुख मिलेगी इसको बोलो शंकर जी कहते पार्वती को नहीं आएगा वहां पर, वहां पर कोई नहीं आएंगे वहां पर, लेकिन सारे गंदे काम में सबके सब चले जाएंगे। इसे माता पार्वती प्रश्न करके बोले प्रभु फिर ये भागवत कथा में सत्संग में कौन कौन जाते हैं, इसमें कौन कौन जाते हैं, हरे कृष्ण जो पीछे बच्चे बैठे हैं सब अलग रखो, सारे बच्चों को अलग बैठा दो, कोई बात बैठे पास ना सुन सारे उठा दो, सब देखो मैं सब सब समय ऊंचा बैठा हूँ इसलिए मैं सब तो देख रहा हूँ वो कहाँ पर क्या कर रहे हो, सब तो अलग हो जाओ। देखो आज मैं कथा सुना रहा हूँ ना कि सारे बच्चों को कल मैं पूछूंगा तुम लोगों ने क्या सुने,
ठीक है, पर मैं देखूंगा कौन सुना पाता है, जो सुनाएगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। हम ये दुनिया की बहुत सारी बात को याद रख लेते हैं, लेकिन ये बात का कोई खत नहीं है, ये संसार की बात का कोई कीमत नहीं है। संसार का बात केवल दुख ही दुख देने वाले, सुख देने वाले कौन है, बोले भगवान की भक्ति है, भगवान की नाम ही जगत में हमें शांत और सुख देने वाले, ठीक है ना। ध्यान देकर सुना, कल सारे बच्चों को मैं पूछूंगा तुम लोगों ने क्या क्या सुना, मैं देखूंगा कौन कौन बैठ बोल पा, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 प्रश्न करते हैं, देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं, बोले अति हरि कृपा जाप सब नहीं आए, बोले कौन आए, बोले बोले गोपियां आई वहां पर, क्यों
कृष्ण केवल बंसी ध्वनि से केवल उन्हें वही बुलाया, केवल उन्हीं को बुलाया, इसलिए केवल वही बन गया है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा में सब नहीं आ पाएगी, जिसको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होगा पार्वती, तभी किसी सत्संग में ये भागवत कथा में वही केवल आ सकते हैं। देखो फिर माँ प्रश्न क्या करती है, बोले प्रभु आप इतने सत्संग सत्संग भागवत भागवत कथा कहते हो, इसका क्या फल है? अगर कोई ये भागवत कथा में आए कथा सुने कोई फल मिला कि नहीं, ये भी आप नहीं। शंकर जी क्या कहते हैं, बोले मन जाना था ला दिखाओ ता लेकिन आपका जो भाव है ना, आपकी जो भाव है ये चीज बदल जाएगी, अब ये चीज बदल जाएगी, अब भावना ऐसे नहीं रह जाएगी। क्योंकि सत्संग में आने पर जीव को पता चलता है भैया हम है कौन, हम कहाँ से आए, हम क्या कर रहे हैं, फिर हमें जाना कहाँ है, हमारे जो पिताजी थे वो गए कहाँ, ये सबके सब गए कहाँ, फिर हम जाएंगे कहाँ, ये जीवन का क्या करते है भगवान, ये जो मानव शरीर दिए ये कितने भाग्य से ये जीवन मिला है हमें, ये जीवन अगर हम कर रहे हैं क्या। जब ये चीज पता चलता है, शंकर जी कहते हैं ताक होई पीक, आप लोगों ने कौवा देखे हो, बहुत बड़े कौवा देखे हो, आप बताओ कौवा का रंग कैसे काला है, आप लोगों ने कोयल देखे हो बताओ तो कोयल का रंग कैसे काला है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो कौवा है ना कोयल बन जाएगी, कौवा कोयल बन जाएगी मतलब क्या, आप देखना अगर यहाँ कौवा बैठ करके ता 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 करने लग जाए ना, ये कान दर्द हो जाता है, बोले तब से बैठ कर ता 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 कर रहा है। लेकिन बसंत ऋतु में जब कोयल जब होती है कितनी आवाज है उसकी, कितने मीठी आवाज है। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो कौवा मतलब, ये कौवा मतलब क्या, ये संसार की बात है। आप किसी व्यक्ति को पास में बैठ जाओ, आप बताओ आप कैसे बुंदी हिलाएंगे, ठीक है पास में बैठ जाओ, दुनिया की बात सुनो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई बहू से दुखी, आप किसी व्यक्ति को पास में केवल बैठ जाओ, केवल उसके मन की बात सुनो, देखना तुम्हारी सर दर्द हो जाएगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये जो दुनिया की जो बात है ना, जैसे कौवा जैसे का ता 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 करता है, ये दुनिया की बात केवल दुख दुख देखने वाले, लेकिन अगर कथा रूपी गंगा में गोता लगाएगा तो वो कौवा कौवा नहीं, वो क्या बन जाएगा, बोले कोयल बन जाएगी। कोयल मतलब कोयल की बोली जैसे बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर है,
और भगवान की कथा भी बड़ी आनंद बड़े आनंद देने वाले बच्चे बच्चे खेल रहा है ना बच्चे बैठे थे उसको बोले बाहर जाकर खेल इसलिए बोले इसका मतलब क्या है बोले इसका मतलब है शंकर जी कहते थे पार्वती अगर कोई ये भागवत सुन ले ये कोयल बनकर के भगवान की कथा बोलेगा जीवन में इतने शांति आप स्वयं देख लेना जैसे यहाँ पर कितना समय बैठ रहे दो तीन घंटा लोग बैठ रहे हम सबके सब संसार में तन से मन से धन से दुखी है लेकिन आप जब तक ये कथा में बैठे ना आप कोई भी दुख कष्ट आप नहीं सकता है संसार का कोई दुख कष्ट और याद आ रही है लेकिन केवल कथा के पैंडल से बाहर निकलो अरे घर में जाने पर ये होगा दुनिया में ये दुख सारे आकर के पहाड़ जैसे सर पर पहुंचा कर देंगे इसलिए शंकर जी मेरी शंकर पार्वती कौवा तो बन जाएगी कोयल लेकिन बगुला बन जाएगी हंस आप लोग बगुला को देखे हो रंग कैसे है सफेद है हंस देखे होंगे राज हंस उसका भी रंग देखने में सफेद है दोनों को देखने में सफेद है लेकिन बगुला क्या करता है सारी गंदी गंदी चीज पर बता देता है लेकिन राज हंस महान सरल रहता है वो क्या पीता है बोले कमल का मधुपान करता है इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर कथा में गंगा में कोई गोता लगे वो बगुला ही रह जाएगी फिर भगवान की भक्ति रस को पान करेगा भगवान की भक्ति रस को पान करेगा इसलिए हे पार्वती करोड़ों करोड़ों जन्म का जब विपुण्य होता है तभी जीवन में ये भागवत कथा कोई रखवाता है और करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य होते हो तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं इसलिए समझो आज हम लोग का बड़ा अच्छा दिन जीवन में हमारे बहुत अच्छा दिन जो कि हमें थोड़ी समय हमें यहाँ पर ये भागवत कथा सुनने के हमें सौभाग्य मिल रहे हैं देखो श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कहते हैं स्वर्गीय सत्य कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसम बोले हे सुखदेव गोस्वामी आज जो सौभाग्य हमें मिल रहा है जो ये कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है कभी ये देवताओं को ये स्वर्ग में जन्म लेने पर भी ये स्वर्ग में देवता ये सौभाग्य प्राप्त है इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्री परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे उसी समय में स्वर्ग से 33 करोड़ देवता जिन जिन देवता को हम घर में पूजा करते हैं जिसे शनि को राहु को केतु को शंकर जी की पार्वती की हनुमान जी की गणेश जी की जिन जिन देवता को घर में हम पूजा करते हैं ना ये 33 करोड़ देवता स्वर्ग से आए और क्या लेकर के बोले अमृत कलश लेकर के आए बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो बोले श्रृंगेरी ऋषि ने को आज्ञा दिया है ये 7 दिन में ये मरने वाले हैं इसे ना बोले हाँ बोले अपने स्वर्ग से ये अमृत कलश लाए लो ये अमृत कलश पूरा के पूरा ले लो और ये सुखदेव श्री परीक्षित को पिला दो ये अमर बन जाएगा लेकिन ये जो भागवत कथा सुनाने जा रहे हो ये कथा मित्र सुना श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर उदाहरण बोले उदाहरण देते हैं अगर कोई व्यक्ति कोई कांच के टुकड़ा लेकर के आए बोले भैया कांच के टुकड़े तू ले ले लेकिन तुम्हारे पास जो पास मणि है ना ये पारस पत्थर तू हमें दे दो अब दे दोगे इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते को कांच को मणि बोले तुम लोग बड़े स्वार्थी हो केवल मतलब निकालना जानते हो हैं केवल मतलब निकालना जानते हो और कुछ नहीं जानते हो क्या लेके आए बोले स्वर्ग का अमृत लेके आए बोले लो और क्या करो ये भागवत कथा सुना दो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते तुम्हें पता है ये भागवत भैया जी ये जो भागवत पता है तुम्हें क्या है जी कहती ये भागवत नहीं बोले तमादि देवम करुणा निदानम तपाल वर्णम
अपार संसार समुद्र हेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम। बोलिए भागवत जगत में क्यों आया है? ये भागवत है क्या चीज? जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहां पर श्री उद्धव जी वहीं पर थे। बोले हे प्रभु, आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, फिर आप कैसे सहन करेंगे? कृष्ण स्वयं वाक्य विहारी कहते हैं, बोले हे उद्धव, मैं तो एक स्वरूप से इसी जगह से जा रहा हूँ, लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूंगा। बोले प्रभु, कलियुग में आप किस स्वरूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कलियुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा। बोले हे उद्धव, जैसे मेरे संग से जीव को परम शांति परम सुख मिलता है, क्योंकि ठाकुर जी के चरण में तीन चीज है, अशोक, अभय और अमृत है। अशोक मतलब जहाँ पर कोई शोक नहीं, अभय मतलब जहाँ पर कोई डर भय नहीं, अमृत मतलब जहाँ पर अमृत है। यदि उसी तरह ये भागवत कथा को जो श्रवण करेगा, यदि जीवन में वो तीन चीज को प्राप्त करेगा, अशोक, अभय और अमृत। इसलिए कहते ये भागवत ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है, तेन अयम बांगमय मोती प्रत्यक्षे वर्तते हरि। भगवान कृष्ण कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान है। ये भागवत नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की। जोर से करेगा, देखो जो जितने जोर से ठाकुर का जयकार लगाओगे ना, ठाकुर को थोड़ी जयकार, ठाकुर का जय जय हरि, जो ठाकुर का जयकार लगाते हैं उसका अपना जय होगा, ठाकुर का जय जय हरि। और जो जितने जोर से जय लगाएगा उसका अपना पाप कटेगा और जीवन में उतना जय होगा, ठीक है? और एक बार जयकार लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए कहते भागवत में ये 12 खंड है। कहते 12 खंड में जो पहला और दूसरा खंड कहते ये कृष्ण का दो चरण है, जो दो का जो जन्म जन्म है, कहते ये तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। भगवान की नाभि कमल है, ये भगवान की ये पंचम स्कंद है। कहते दो जो हाथ है, कहते सप्त और सप्तम स्कंद। बोले भगवान की जो बख्या स्तर, बोले ये अष्टम स्कंद। भगवान की जो कंठ है, ये नवम स्कंद। जो बुखार दसम स्कंद। ये जो ललाट है, ये एकादश स्कंद। भगवान का जो सर है ना, ये द्वादश स्कंद। इसलिए कहते हैं ये भागवत नहीं, ये स्वयं श्री ठाकुर जी कृष्ण स्वयं हमारी कल्याण करने के लिए कलयुग में उन्होंने श्री ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी आए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते पर की सारे देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। बोले ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसका विनिमय में कथा न सुना दो। उनको कथा नहीं सुना, भगा दिया उनको देवता, बोले भाग जाओ यहाँ से, तुम कथा नहीं सुन सकते, कथा नहीं सुन सकते हो। देवता लोग इतना बेवकूफ नहीं जे कलश लेकर के स्वर्ग में क्यों जाते, अमृत तो पिएंगे, लेकिन पूरा अमृत कलश को पूरा का पूरा दे रहे थे। वो बेवकूफ नहीं, देवता लोग मूर्ख है, देवता लोग मूर्ख है, लेकिन उनको भी उनको पता है भैया ये भागवत जो कथा सुनना ये साधारण भाग्य से नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य है कहते देवताओं से भी हम ज्यादा पुण्यात्मा जो यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं। ये देवता भी ज्यादा पुण्यात्मा, क्योंकि उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। सुखदेव गोस्वामी के परिधि ये स्वर्ग के देवता लोगों की बात छोड़ दो, कहते ये ब्रह्म लोक में जन्म लेने पर ही ब्रह्म लोक कहाँ पर, स्वर्ग के 7 लोग ऊपर में ये ब्रह्म लोक है। कहते ये ब्रह्म लोक में जन्म लेने पर भी उनका भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं,
हरे कृष्ण तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम बोले कथा है तुबे तब इनको ये जीवन के रहस्य पता चला। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या की
अपना बच्चे को भी भजने में लगाया। हाँ देखो एक बार ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह से सुन लो आप लोग, अच्छे तरह ध्यान देकर सुनो, ये सही घटना बताता हूँ। एक समय मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, बोले बाबा ये बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, थोड़ी सी इसको बोल दो मेरे बात को सुने, ये बात मेरे को सुने। लेकिन जब से पहले तो थोड़ी बहुत कभी सुनता था, नहीं सुनता था, लेकिन जब से उसकी शादी हो गई ना, बता दी पत्नी उसकी कान में क्या मंत्र दी, बता दी बेटा का दिल ही पूरा अलग हो गया पूरा, वो बात नहीं सुन रहा, एकदम बात नहीं, बड़े आसान। मैंने कहा कभी जिंदगी में रामायण पढ़े तुमने, कभी जिंदगी में रामायण पढ़े, गीता पढ़े, बोले पढ़ी नहीं, बोले पढ़े नहीं तो बच्चा तो ऐसे करेगा। अगर आप भागवत पढ़ते, रामायण पढ़ते, रामायण में क्या लिखा हुआ है, भगवान राम सवेरे उठ करके बोले प्रात उठ गई रघुनाथा और माँ की गुरु नमई मामा, रामायण में लिखा हुआ। अगर ये रामायण आप पढ़ते, अगर बच्चों पढ़ाते, फिर क्या होता, वो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूता। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, हाथ उठाकर रामायण देखे हो आप, देखना रामायण में जब प्रभु, जब राम और लक्ष्मण जब दशरथ महाराज विश्राम करते होते हैं, प्रभु राम क्या करते हैं, जाकर पिताजी के चरण को दबा देखा होंगे ना पिताजी। अगर आप रामायण पढ़ते पढ़े होंगे और पढ़ते होंगे, फिर क्या होगा, फिर बच्चे भी रामायण पढ़ते, बच्चे भी रामायण पढ़ते, बच्चे को अंदर में संस्कार आता, वो भी आपके चरण छूते। लेकिन बच्चे को तो तुमने 20,000 रुपया जैसे जीवन बिगड़ जाए, उसको स्मार्टफोन तो 20,000 रुपया का दे दिया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि बोला पढ़ 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 तो बोलो पढ़ने का पैसा कमाने का मशीन बना दिया, लेकिन कभी तुमने ये नहीं बताया तू तो एक माला भी था, थोड़ी सी गीता भी पढ़, कभी बोला है कभी गीता पढ़ लो बेटा एक माला कर लो। जिस बच्चे को केवल पैसा कमाने की तुम मशीन बना दोगे तो बच्चा तुमको क्या करेगा, तो बोला तो है नहीं कभी बेटा, थोड़ा गीता भी पढ़ लो, रामायण भी पढ़ लो, थोड़ी सी भक्ति ग्रंथ पढ़ो, संस्कार करता वो बच्चा 100% वो पिता माता की सेवा करेगा ही, क्यों उसको अगर संस्कार पड़ा हुआ। अब तो पढ़ो 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 जरा दुनिया की पढ़ा दिया, देखो बेटा तो ऐसे करेगा। इसलिए हमारी कर्तव्य है ये पढ़ाने का साथ साथ में भी बच्चे को बोलो भैया थोड़ा गीता पढ़ तो रामायण पढ़, तुम्हारे अंदर में थोड़ा संस्कार आए हैं, ये हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जब पार्वती आए, जब श्री ब्रह्मा जी आए, वो ब्रह्मा जी अकेले नहीं आ गए, इसको लेकर के आए, अपनी पत्नी को लेकर के आए। तो इसे क्या करें, अगर दोनों आओ ना जैसे ये दोनों पति पत्नी आओ, पति कहाँ करता है, पत्नी भी कुछ करती है, जल्दी जल्दी चलो भागवत कथा हो रही है, जल्दी जल्दी चलो अपना बेटी को भी लेकर के आए, चलो जल्दी जल्दी चलो हम भी ये भागवत कथा श्रवण करके आप आएंगे। इसलिए अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ ना, देखना संसार इतने बढ़िया चलेगी, इतने क्योंकि घर में ना कोई गंदी चीज, बेटा शराब नहीं पिया, पिता शराब भी नहीं पियेंगे, जुआ नहीं करेंगे, गंदे काम नहीं करेंगे, उल्टा सीधा रास्ता नहीं जाएंगे, समय होगा तो हरि प्रणाम करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, घर नहीं उसका घर वैकुंठ बनेगा। अगर कथा में नहीं आएंगे ना आपको पता होगा बच्चे अभी कौन सा रास्ता में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या करते हैं, आपको तो अच्छे तरह से बात आपको अच्छी तरह से पता होगा, घर से गए तो कहाँ नहीं कहाँ गए, और आए तो कहाँ से आए आपको बात पता नहीं, वो क्या करते करते घर में आए। इसलिए यहाँ पर सिखा देते हैं कि जो कथा सुनने के लिए ना, क्या करो कथा सुनने के लिए, दो नाम, पति ने आए तो पति को लेकर आए, पति आए तो श्री पत्नी को, दोनों पर संस्कार पड़ेगा, बच्चे को ऊपर में भी अच्छी संस्कार पड़ेगी। देखना दोनों घर में ही आपका घर आपको बोलो तो बन जाएंगे। वृंदावन हरी लाल की जय, जय श्री श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसे श्री शंकर जी कहते हैं पार्वती,
ये कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, कभी जो कथा है ना कभी कैलाश लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले एक बार त्रेताया योग माने, आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय भगवान राम ये दुनिया छोड़ करके जा रहे थे उसी समय में सारे अयोध्या वासी तैयार थे, सबके सब प्रभु के साथ में चलेंगे, सांकेत धाम चलेंगे। देखा सारा दुनिया है लेकिन एक व्यक्ति वहां है नहीं, कौन नहीं है, बोले श्री हनुमत लाल जी ने। बोले भैया हनुमान कौन है, कहते है ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जो है
भगवान प्रभु को राम को कभी नहीं पढ़ते थे, जब ये कथा की कितने महत्व है। आज हम केवल कथा क्यों सुन रहे हैं, कथा की क्या बात होगा इस विषय पर सुन रहे हैं। इसलिए देखा जो हनुमान प्रभु राम को कभी छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन आज प्रभु जाने के लिए तैयार वो हनुमान आए। बोले भैया हनुमान जी को ढूंढो। हनुमान जी का देखा, हनुमान जी कोने में बैठ करके भगवान के नाम जप कर रहे थे। भगवान राम हनुमान ये पूरा दुनिया जाने के लिए मेरे साथ में तैयार है, क्या तू नहीं जाओगे? देखा हनुमान जी क्या कहता है। बोले प्रभु क्या आपका लोग में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? आपकी सांकेतिक में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान राम कहते हनुमान जी, जब मैं स्वयं वहां पर हूँ, पर ये कथा की बात क्यों कर रहे हो? देखा हनुमान कितनी बड़ी बात कहते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात रूप में जहां पर हो सकता है तुम्हारी कथा नहीं हो, लेकिन आपकी कथा जहां पर हो रही है, आप 100% आप कथा को ही बीच में रहते हो। इतना ही आप लोग, इसलिए जब भगवान को नारद जी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद स्वयं ठाकुर कहते हैं, बोले दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले जहाँ मेरे भक्त जन बैठ करके मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, केवल वहीं पर तुम्हें को पाओ। इसलिए वैकुंठ लोक में कथा नहीं होने का वजह से हनुमान जी वहां गए नहीं। भगवान राम ने पूछा, भैया कल तक तो नहीं आओगे, कब तक रहोगे? हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले प्रभु इसी मंदिर घर में तब तक रहूंगा जब तक तेरी कथा यहाँ पर हो। जब मैं देखता यहाँ तुम्हारी कथा है नहीं, पर ये मर्त जगत छोड़ करके मैं अपना धाम में आ जाऊंगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिपी, जो सौभाग्य ये मर्त जगत में जीवों को प्राप्त है, कभी ये वैकुंठ लोक में भी वो सौभाग्य नहीं। इसका मतलब क्या है? देखो हम लोग कितने भाग्यवान हैं, कथा सुनने के लिए देवतालों का वैकुंठ, देवतालों का स्वर्ग छोड़ करके आए। ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए ब्रह्मा लोग छोड़े, शंकर जी कथा सुनने के लिए शिव लोग छोड़े, और श्री हनुमान जी कथा सुनने के लिए गरुड़ जी, ये वैकुंठ लोग को छोड़ा। लेकिन ये फरीदाबाद के सेक्टर 15 में जो भक्त लोग हैं, ये कथा सुनने के लिए आप लोगों को छोड़ना पड़ा होगा। आप लोगों ने घर छोड़े और कुछ भी नहीं छोड़े, ये कतार में गंगा वृंदावन में भरे गए थे और अपना घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठे बैठे करके ही कतार में गंगा में हमने स्नान कर लिया। मतलब हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो आज हम श्री कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुई है। अब यहाँ प्रश्न है, जैसे हम सात दिन तक कथा सुनेंगे ना, सात दिन तक प्रश्न हम होता नहीं, क्यों हम यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा बैठेंगे? अगर यही समय को अगर और कहीं देते, भैया कुछ लाभ तो होता है ना, पैसा मिलता, दुनियादारी कुछ मिलता, हम क्यों यहाँ पर तीन तीन चार चार घंटा बैठेंगे, क्या मिलेगा? इसलिए भागवत में श्री राधा रानी ये बात कहते, बोले भैया तुम तो ये कथा में जितने लाभ मिलेगा ना, जगत का कोई भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट तुमको नहीं मिल सकती। इसलिए विराज कहती है ना, दीन दीन बड़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये बिजनेस में जितने लाभ मिलेगा, ये जगत का कोई भी बिजनेस करोगे तुम्हें इतना लाभ नहीं मिलेगी। जिन जीवन ने ये बिजनेस किया है ना, इनका जीवन देख लो, देखो मेरा को लाभ मिली कि नहीं, हनुमान जी को लाभ मिला कि नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी को लाभ मिला कि नहीं, ध्रुव जी को लाभ मिला कि नहीं, परिकृति महाराज को लाभ मिला, किसी को लाभ ही लाभ मिला। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जानते हो, हम अपना बेटा बेटी को बलि भंग में हीरोइन बनाएंगे,
हमारा जो स्वप्न है ना, हम तो बॉलीवुड में क्या करेंगे, अपना बेटों को हीरो और हीरोइन बनाएंगे। आप जितने हीरो हीरोइन का नाम 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी कोई हीरो हीरोइन का नाम अभी है जगत में? कोई उनका नाम क्या ले रहे हैं क्या अभी? अब बताओ उनका नाम जगत में कोई ले रहे हैं? लेकिन देखो गोस्वामी तुलसीदास का नाम देखो, हनुमान जी का, ध्रुव वाल्मीकि का नाम देखो, कब ये लोग आए? करोड़ों साल पहले ये लोग आए। लेकिन देखो अभी भी इनका नाम अमर हो गया, अभी भी इनका नाम जगत में अमर हो गया है। घर घर में जिनको पूजा करते हैं, जिनका नाम बोले कर हम प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुने हो? बताओ उन्होंने कई समय गोली खा गई। इंदिरा गांधी का नाम सुने हो? कई समय गोली खा गई। राजीव गांधी का नाम सुने हो? कई समय गोली खा गई। पिछले जिले की बड़े सोनिया गांधी कोर्ट में बैठी हुई, हमें भी गोली मार कर खत्म नहीं करते। लेकिन आपने प्रहलाद की कथा सुना होगी, जब उसने भगवान का भजन करता था, उसको पिता उसको जान से खत्म करने के लिए कोशिश की, पहाड़ का ऊपर से फेंक लिया, ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, अग्नि को बीच में बैठा देते हैं, अग्नि शांत हो जाती है और उसको समुद्र में पत्थर बांध करके फेंक देते हैं, पत्थर भी तैरने लग जाती है, पत्थर भी तैरने लग जाती है। यहाँ पर राधा रानी कहती है, देखो ये कथा रूपी तुमको जो बिजनेस में जितने लाभ हो ना, दुनिया में तुम्हें किसी भी बिजनेस में इतना लाभ तुम्हें मिलने वाले नहीं। इसलिए राधा रानी कहती अगर तुम कथा सुनोगे ना तो तुमको 8 लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा? देखो अभी मैं बता रहा था 8 लाभ दिया, मैं कल आपसे सुना, जो मेरे को बोल देगा ना 8 लाभ दिया है, कल आपको मैं बढ़िया इनाम दूंगा। बताओ तो कौन मेरे को बोल पाएगा? हाथ उठाओ तो कौन मेरे को बोल पाएगा? अभी मैं 8 लाभ बता रहा, उसमें क्या 8 लाभ है, कौन बोलेगा मेरे को? बोलोगे ना? इसलिए कथा ध्यान से सुनना और मैं देखूंगा कम से कम 8 नहीं, कम से कम 1 लाभ मेरे को बोल देना। अभी मैं 8 लाभ बोलूंगा। कौन बोल रही है? श्री राधा रानी की बात को कह रही है। बोले कब कह रही है? जब भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, जब रास में राधा रानी की मान हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा हर गोपी के पास में एक कृष्ण एक कृष्ण एक कृष्ण। राधा रानी ने देखा कि ये सबके साथ में बराबर हो गई, तब राधा रानी मान करके रास छोड़ने चली गई। जब राधा रानी रास छोड़ दी, श्याम सुंदर ने देखा जब किशोरी जी रास छोड़ दी, फिर ये रास किसी के लिए? श्याम सुंदर भी रास छोड़ करके राधा रानी को लेकर के बड़े सुंदर अपना हाथों से बड़े सुंदर उनको श्रृंगार के श्रृंगार कर दिया। इतने में राधा रानी की मां कृष्ण राधा जी को भी प्यार की। जब राधा रानी गोपियों ने दोनों मिले, बोले कृष्ण को उसका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठेंगे और हम श्री भगवान की कीर्तन गाएंगे। कीर्तन सबसे बड़ा प्यारा है। मैंने बताया ना, कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी कीर्तन करते हैं। तो वो कीर्तन करते करते श्री राधा रानी उसमें एक श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, ये कथा से क्या लाभ है। तो कीर्तन का कर फिर आपको उसका मतलब समझाऊंगा। बोले तब कथा अमृत Hey.
सुंदर, तुम्हारी जो कथा है ना, ये कथा नहीं तव कथा अमृतम, अमर तो प्राप्त करता है। पिछले श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित, जब उनका अभिशाप लगा, श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप दी, 7 दिन में तुमको तक्षक दर्शन करेगा, बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर बैठो और केवल भगवान की कथा सुनो। कथा सुनते सुनते ही तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इसलिए देखो जगत को अमर तो प्राप्त की, केवल कथा सुनते सुनते कथा समाप्त हुई, उनके लिए गोलोक वृंदावन से रथ आया, रथ में बैठ गई, बड़े सुंदर गोपी स्वरूप धारण करते हुए और सुधा उन्होंने भगवत धाम में चले गए। इसलिए जगत में जिन्होंने कथा सुनाई, पहले कथा नहीं, ये अमर कथा है, भागवत के एक नाम अमर कथा, क्योंकि ये शंकर जी माता पार्वती को सबसे पहले ये अमरनाथ में सुनाए। हम लोग कोई अमरनाथ गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए, हाथ उठाओगे? हाँ देखो, दो एक दो तीन चार माताएं गई, हम लोग अमरनाथ गए होंगे। देखना शंकर जी पार्वती को जहाँ पर ये कथा सुनाई, इसलिए कथा का नाम अमर कथा। बोले अमर कथा क्यों पड़ा? बोले कारण है, एक दिन श्री नारद जी कभी कैलाश में पहुंचे, शंकर कहीं बाहर गए हुए थे। इतने में श्री नारद जी पूछे, माता जी सब कुशल मंगल है? बोले बेटा सब कुशल मंगल। बोले कैसे? बोले शंकर जी मेरे को बड़े प्यार करते हैं, अगर कहीं कथा सुन करके आए तो मेरे को सुनाते हैं। लेकिन नारद जी को भागवत प्रकाश करना था, इतने में नारद जी बोले, माता जी आप तो सही बताते हो, लेकिन इस शंकर जी ऊपर ऊपर से प्रेम करते लेकिन हृदय से नहीं। बोले नहीं नारद, इसे मत कहा करो, मेरे को पता तुम जहाँ जाते हो झगड़ा लगाते हो, भैया हम तो बड़े प्रेम से रहते हैं। बोले नहीं माता, मैं सच बता रहा हूँ। बोले बताओ क्या बात है? बोले शंकर जी गले में एक मुंड की माला देखे हो? बोले हाँ। बोले बता सकते हो इसका इतना कमर हो माघी वाला नाम? इसलिए उन्होंने बताया, आप बता सकते हो शंकर जी की गला में ये मुंड की माला क्यों, बता सकते हो? बोले शंकर जी बताएगा। बोले इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तेरे को ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं लेकिन अंदर से तुम्हें प्रेम करते ही नहीं। बोले देखो शंकर जी ये बात सहज में नहीं बताएंगे। आज मान भवन में जाकर के मलिन वस्त्र पहन करके लेट जाओ, जब शंकर जी आए 3 बार कसम खिला करके तब प्रश्न करना। बस नारद जी उठाए बिना और भाग गए। शंकर जी इसका एक पत्र कम कर दो। शंकर जी जब घर में आए, रोज मैया पार्वती शंकर जी की चरण धोती थी, चरणा पिट लेती थी, गरम गरम रोटी पास में बैठा कर खिलाती थी, हाथ में पंखा करती थी, लेकिन देखा आज कोई स्वागत करने के लिए नहीं। देखा माता पार्वती तो मान भवन में लेट हुई, ऊपर हाथ रखा तो हाथ को फेंक दी। बोले पहले तो मैं सोच रही थी आप भोले बाबा हो, मेरे को पता चला आप भोले नहीं कपट बाबा हो। बोले मतलब? बोले मतलब क्या? आप मेरे को अंदर अंदर की बात कहे तो बाहर बाहर की बात बोलते हो, अंदर की बात तो मेरे को बताते नहीं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है? बोले बताओ आपका गले में ये मुंड की माला किसकी है, आप इसको क्यों धारण करते हो और अभी तक इसका रहस्य मेरे को क्यों नहीं बताए? बोले पार्वती ये मुंड की माला तेरी। बोले तेरी? मेरी? मेरे सर तो मेरे शरीर में, अब गले में कैसे आ गए? बोले पार्वती तुम्हें पूर्व जन्म की बात याद नहीं, पहले जन्म में तू सती बन करके आई थी, एक दिन तेरे पिताजी मेरे को बड़े अपमान किए हो, इसलिए तुमने पिताजी मेरे को अपमान करने के लिए उन्होंने कनखन में जन्म की, सबको उन्होंने निमंत्रण दी, केवल तेरे को और मेरे को कोई निमंत्रण नहीं दिया प्रतिशोध लेने के लिए, लेकिन मैं मना करने पर भी तू जोर जबरदस्ती गई, सभी के लिए यज्ञ भाग, केवल मेरे लिए कोई यज्ञ भाग नहीं था, इसलिए तू दुखी होकर के तुमने ये शरीर को त्याग दी। एक जन्म नहीं पार्वती, तू कितने जन्म से शरीर त्याग कर रहे हो? पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी पता चला सबसे बड़ा कपटी आप हो। बोले मतलब? बोले मतलब क्या? हाँ बताओ, ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पी रखा हो जो भी आप मर नहीं रहे हो, मैं मरती जा रही हूँ? देखो स्वयं शंकर जी कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैं नहीं मरता। पार्वती कहती है प्रभु मेरे को भी ये कथा सुना दो, फिर दोनों ही अमर हो जाएंगे। चलो पार्वती तेरे को लेकर हम चलते हैं अमरनाथ में।
वहीं पर शंकर जी बोले देखो पार्वती मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा तो हुंकार भरते रहना। बोले ठीक है शंकर जी, प्रारंभ किया ये भागवत कथा। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत। मैंने पहले बताया ना, जो जितने जोर से भागवत का जयकार देगा उसका उतना पाप खत्म होगा और उतना पुण्य होगा, जय उतना जोर से होगा, जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत भैया लगनी चाहिए आपकी कल भागवत कथा हो रही है। अभी शंकर जी प्रारंभ की कथा सुनाते सुनाते जब सारी कथा सुना दी, जब लास्ट में एकादश स्कंद की कथा सुनाएंगे मुक्ति का मार्ग कैसे, जीव को मुक्ति भगवत प्राप्ति कैसे होगा, इतने में माँ पार्वती सो गई। जब सो गई तो भगवत इच्छा से उसी पेड़ के ऊपर में एक तोता बैठ कर कथा सुन रहा था। अभी उसने देखा मैया तो सो गई, शंकर जी बंद कर दे कथा, हुंकार भरना बंद हो जाएगा। वो तोता भी हुंकार भरने लग गया। बड़ी प्यारी कथा, इसको आगे किया हुआ इसकी आगे शंकर तो बोले वो सुनाते सुनाते जा रहे। फिर भागवत कथा समाप्त हो गई, फिर शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी मैया की नींद खुल गई, देखो इसलिए ना हम भी बीच बीच में थोड़ा जयकार देते। अब देखना कि दुनिया की कोई बात हो ना, इसकी चुगली हो, देखना कान एकदम खड़ा हो जाता है। कोई भूत और सांप की बात हो ना, अरे हम भी इतना बड़ा भूत देखा था, हम भी इतना बड़ा सांप देखना, जोश आ जाएगा। लेकिन जब भगवान की कथा हो ना फिर लोग वहाँ सो जाते हैं। देखो माँ पार्वती सो गई ना, माँ पार्वती सो गई ना, इसलिए कभी नींद आ जाती है। इसलिए शंकर जी जब जयकार दिए मैया की नींद खुल गई। बोले उसकी बात में क्या हुआ, बोले कथा तो समाप्त तो हो गया। बोले नहीं, बीच में तो मैं सो गई थी। बोले क्यों, अभी तो हुंकार भर ले सो गई कब। बोले नहीं, मैं बीच में सो गई थी। बोले शंकर जी बोले भैया मेरी कथा सुनी किसने, देखा वो तोता बैठ कर सुन रहा है। लेकिन ये कथा क्या है, ये अमर कथा है, इसको जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा। अब लोग गीता पढ़े हो, अब देखना जब भगवान कृष्ण ने गीता की उपदेश दिया, जब गीता समाप्त तो हो गई, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने जो ये गीता की ज्ञान दी, सावधान न अभक्ताय कदाचन, दुष्टों को कथा नहीं सुनाना, मना कर देगा तो उसको ही कथा सुनाना जिसकी प्रेम मेरी प्रति हो। भागवत में भगवान भी अपना मैया देवती को ज्ञान देते हैं, लास्ट में ये भी सुनाते हैं, इधर आ जाते हैं, लास्ट में ये भी सुनाते हैं। बोले माँ मैंने जो तेरे को ज्ञान की बात बताई, ये ज्ञान की बात सबको नहीं सुनानी माँ, हाँ उसी को ही सुनाना जिसकी मेरी प्रति भक्ति श्रद्धा हुई। भगवान स्वयं कहते हैं शंकर जी ने देखा ये अमर कथा, ये जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, अगर ये जो अगर कोई गुप्त रूप में सुन लिया वो अमर बन जाएगा, अगर कोई दुष्ट ने कथा सुन ली, अगर ये जगत में अमर बन गया तो क्या होगा, ये दुनिया के लिए हानिकारक है। इतने में शंकर जी देखा कौन कथा सुन, देखा वो तोता बैठ कर कथा सुन रहा है। बोले ब्रह्म ज्ञान तुमने चुराया, तुमने उन्हें त्रिशूल उठाया और उसको पीछा की, करते करते वो तोता पहुंचा कहाँ पर, बद्री के आश्रम पर, वहां पर व्यास भी अपना पत्नी को यही कथा सुना रहे थे, भागवत कथा सुना रहे थे। वो कथा सुनते सुनते प्रेम में जैसे कथा सुनते ना ऐसे मुंह खोल करके आश्चर्य होकर कथा सुन रहे थे भाव से। इतने में वो तोता गया और सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा भैया तोता तो यहीं तक आई, गई कहाँ। व्यास देव जी ने बोले भोले बाबा कहाँ से भागते भागते आ रहे हो। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले किस चीज की। बोले ये तोता ने ये अमर कथा सुन लिए। बोले इसका मतलब क्या। बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले तोता कथा सुनी कि नहीं। बोले हाँ। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं कहते हो कथा अमर कथा, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। जब तोता कथा ही सुन लिया फिर आप उसको मारो कैसे। शंकर जी बोले भैया बात तो सही है, अभी तक तो मेरे ध्यान में ये बात आई नहीं। फिर शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता तो ये कभी भी कथा में नहीं बैठ सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है एक जन्म नहीं
कहते करोड़ों जन्म का अगर कहीं पुण्य उदय हो तभी कोई ये कथा सुन सकता है, साधारण व्यक्ति ये कथा सुन नहीं सकते। जरूर ये तोता ने कोई पुण्य किया है तभी ये कथा सुन रहा है। इतने में श्री शंकर जी ध्यान लगाए, ये तोता कौन है, क्यों ये कथा को सुनी। शंकर जी ध्यान लगाए, शंकर जी त्रिकाल दृष्टा सबको चुने दर्शन किया। बोले क्या दर्शन की, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। बोले तोता कौन है, बोले तोता साधारण नहीं, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया, ये राधा रानी की ये प्रिय तोता है जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, उसको पढ़ाया करती थी, बोलो कृष्ण कृष्ण सामने साफ गिर रहा था। बोले कृष्ण कृष्ण को तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलता था हैं। एक दिन श्री राधा रानी उनको चुंबन की, कृष्ण रूप मान करके उन्होंने चुंबन की। जब चुंबन की क्या हुई, राधा जी की जो अधरा मित्र क्या होगा, वो तोते के मुंह में राधा जी के अधरा मित्र लगे। इसलिए हम आगे सुनेंगे, जब श्री परीक्षित महाराज वहाँ 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रश्न की सुखदेव परीक्षित महाराज वहाँ उनको पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी बैठे हुए थे, कोई 100 साल की, कोई 1,000 साल की, 500 साल की, लेकिन जब कथा सुने ना ये सुखदेव गोस्वामी से, इनसे जो नंगे धड़े के 12-16 साल की बच्चा, इनसे ही कथा सुने। लेकिन बैठे हुए थे कौन, 1,000-1,000 साल की बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये छोटे बच्चे से कई कथा सुने। कारण है उनकी अधर में श्री राधा जी की अधरा मृत लगा हुआ है। इसलिए आप लोग राधा संतों को पलटा दो, बताओ तो क्या होगा, राधा संतों का उल्टा दो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, हर जोर से बोलो भारा है। कभी ये राधा रानी नहीं, कभी ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं, बोले वैदग्ध सिंधु रस मूर्ति कृपायक सिंधु वात्सल सिंधु रति सागर कृपायक सिंधु श्री राधी के स्फुरत ने रति तेरी सिंधु। राधा रानी को उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक स्त्री अगर पूरा साड़ी को साथ में आप स्नान कर लो, पूरा साड़ी को साथ में आप क्या करो, पूरा नदी में गोता लगाओ, आप देखना जब चलोगे ना आपके पल्लू से एक एक बूंद पानी गिरते गिरते जाएगा। कहते तो उसी तरह जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रस में जब स्नान करते हुए जाती है ना, उनकी पल्लू से क्या होता है, कृष्ण प्रेम रस की धारा निकलती है। इसलिए उनका नाम राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की धारा है, ये वात्सल्य सिंधु करुणा की सिंधु अमृत सिंधु प्रेम की सिंधु ये वैदग्ध सिंधु। जैसे सात समुद्र सुने होंगे ना, तिखु सिंधु और कहते श्री घी का सिंधु समुद्र श्री दूध की समुद्र, कहते ये जितने सारे समुद्र कहाँ पर रहते हैं, श्री राधा रानी में विद्यमान है। इसलिए आप लोग वृंदावन में जाओ ना, कौन कौन वृंदावन में गए, हाथ उठा कौन कौन भाई, सबके सब गए। अब देखना वृंदावन में तो भाकी बिहारी है, लेकिन आप वृंदावन में देखना कोई भी भाकी बिहारी भाकी बिहारी नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं, हम जोर से बोले ना राधे राधे, और जोर से बोला राधे राधे, वहां पर सबके सब श्री राधा जी का नाम। राधा जी का नाम क्यों लेते, वहाँ कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते, वहाँ श्री राधे राधे क्यों बोलते। बोले कारण है कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले रासत कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तमम धासत कुर्बन पश्चात धावि श्रवण लभा। कृष्ण कह रहे अगर कोई को बोले राधा कोई बोल दे कृष्ण, तब मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ, मेरी राधा जी का राग पर गुलाब उसको हम दो क्या। कृष्ण कहते हैं ये रा अक्षर की इतने महत्व है, ये विश्व ब्रह्मांड में
हमें कुछ देने के लिए नहीं मिलता है, लास्ट में खुद को खुद दे देता है। अगर कोई धा बोल देना फिर तुम्हें इसको पीछे पीछे भागते रहना है, वो जिधर जाता है ना, इसलिए बोलते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोली बोली चल चल बिहारी, राधा रानी बोली बोली चल चल बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, रानी की जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम। इसलिए श्री शंकर जी जब ध्यानस्थ हुए उन्होंने सब चीज को देखा। जिस समय भगवान कृष्ण संसार छोड़कर जा रहे थे, जैसे प्रभु राम जाते समय हनुमान को रख कर गए, जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, अभी सारे बोलो सारे ब्रजवासी जा रहे हैं, अभी एक तोता भी तैयार हुआ जाने के लिए, कृष्ण ने कहा देखो अगर तू चला जाओगे ना मेरी भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, अभी तुम रहो जगत में मेरी भक्ति को प्रचार करना, इसलिए ये तोता गए नहीं और ये तोता इस जगत में रह गए। अभी कृष्ण विरह में बड़ा दुखी हो गया, अभी तो कृष्ण चले गए, अभी मैं किसको दर्शन करूं, उनकी कथा कहाँ से सुनूं, ये तोता भटकते भटकते जब पहुंचा कहाँ पर, श्री अमरनाथ में पहुंचा, देखा शंकर जी पार्वती को भी यही अमर कथा सुना रहे थे और वहीं पर बैठ करके अमर कथा सुना, और वही श्री व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए और ये भागवत कथा दुनिया में उन्होंने, शंकर जी सब कुछ अपना दिव्य दृश्य से देखा, शंकर जी समझ गए कथा सुनाना सार्थक हो गया। क्यों? यही सुखदेव गोस्वामी एक दिन संपूर्ण पृथ्वी में ये भागवत कथा को प्रचार करेंगे और ये कथा जो सुनेगा उनको भवबंधन से उनको मुक्ति मिलेगी। इसलिए शंकर जी प्रणाम करते हुए चले गए। देखो ये कथा की कितने महत्व है। इसलिए राधा रानी कहती है श्याम सुंदर ये तुम्हारी कथा नहीं तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमरत्व को प्राप्त करने वाले, आप और हमारी बात छोड़ दो, शंकर कौन है जो सत्यम शिवम सुंदर, माँ पार्वती कौन है जो जो देवी देवी जगदम्बा जग जननी। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं मैं भी एक अमर कथा सुन करके अमरत्व मैंने प्राप्त की और माता पार्वती भी जगदम्बा जग जननी, तब तक ये शरीर छोड़ते रही जब तक उन्होंने ये भागवत कथा को नहीं सुना। समझ लो ये भागवत कथा कितने महत्व है। इसलिए कथा सुनने का पहला फल क्या है, राधा रानी कहती है तब कथा अमृतम, जो सुनेगा उसको अमृत प्राप्ति होगी, पहला ये लाभ है। दूसरा लाभ क्या है बोले तप जीवन, ये संसार में हम सबके सब दुखी, अभी बता रहे थे ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई सबके सब दुखी दुखी है। लेकिन कहते भैया ये दुख कब दूर होगा, राधा रानी कहती जो तप्त जीवन में भगवत कथा से ही तुम्हारी जो उत्तप्त जीवन है जो दुखमय जीवन ये कथा से ही तुम्हारी समाप्त होगी। अभी हम कथा सुना रहे थे ना सबके सब दुखी संसार में, लेकिन आप देखना तीन चार दो घंटा यहाँ बैठोगे ना जब तक तो बैठोगे तब तक सुखी सुखी, दुनिया की कोई बात आपको याद है, हमें कोई संसार की टेंशन याद है कोई नहीं, केवल यहाँ से निकलते सारे दुख को आकर के पहाड़ जैसे सर में बैठ जाएगी। कथा के दूसरा लाभ है तब तक जीवन संसार का दुख तुम्हारी खत्म हो। तीसरा लाभ है बोले कभी भी ऋणितम, बोले भैया ये कथा कौन किसको कहाँ से सुनाए, बोले सबसे कथा भगवान के मुखार से कथा निकली,
स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण चतुर्श्लोकी रूप में ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास, व्यास श्री सुखदेव, सुखदेव परीक्षित, सुत सौनगादी, ये कथा सत्य युग से धीरे धीरे इस जगत में। इसलिए कथा को सुनने बोलने वाले कौन साधारण नहीं, स्वयं श्री वाक्य भी आई थी मुखार बिंद से ये कथा निकली। इसलिए कभी भी रीड़ीता बोले कलमस आपम। चौथा जो लाभ है बोले इस संसार में हम दुख क्यों भोग कर रहे, बोले कारण है ये हमारी पूर्व जन्म का पाप का फल है। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब पहले हमने जो करके आए, ये प्रारब्ध ऐसे भी चीज है कहते बड़े से बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो सकते, तुमको भुगतना ही पड़ेगा जो पहले करके आए। लेकिन यह राधा रानी कहती है ये जो भागवत कथा है ना, ये ऐसे की चीज है कृष्ण कथा, तुम्हारी जितने पूर्व जन्म का पाप को नष्ट कर देगा। हम आगे सुनेंगे वाल्मीकि जैसे व्यक्ति, पहले वो दशरथ नागर था, इतने ब्राह्मणों को उसने हत्या की, उनका जने कुएं से भर गया। जब उसको बोले नारद जी राम बोल, क्या बोले राम बोलो, हम सब कैसे बोले, बोले राम, बोले राम, राम। हम तो राम बोल दिया लेकिन उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, इतना बड़ा पापी था। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले तू मरा मरा तो बोल सकता, बोला इतना तो बोल सकता हूँ। देखो ठाकुर उसकी भक्ति में कितना, नाम में कितना शक्ति, बोले उल्टा नाम जपता जगह जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर वो उल्टा नाम जप करते करते अगर दशरथ नागर से वाल्मीकि बन सकते हैं और श्री रामायण को रचना कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट हम कथा सुने और भगवान का कीर्तन करें तो हमें क्या लाभ नहीं मिले, हमें लाभ ही मिले हैं। इसलिए बोले कलमस आपहम, कहते उसका जो पंचमा लाभ है बोले श्रवण मंगलम, कहते ये भागवत कथा जो श्रवण करेगा तभी जीवन में तुम्हारी मंगल मंगल ही होगा, तुम्हारी मंगल मंगल ही तुम्हारी कथा होगी। इसलिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, अब ध्यान देते सुनो, ये कथा वाल्मीकि रामायण की ये कथा है। ये वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे हैं, रामायण लिखने से पहले उन्होंने ये कथा को सुनाते हैं, ये कथा सुनने का कितने पुण्य है अनजान भी आपको पता है कि ये कथा पता होता है क्या, आप भूल से कैसे आगे कथा में बैठी है, कहते आप भूल से कैसे कथा में बैठी गए, तो कोई कथा की कितने महत्व है। ये श्री गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक समय इस पृथ्वी में एक राजा एक रानी थे। देखो हरे कृष्ण, हम लोग सबके सपना जो हमने जो कथा सुना रहा हूँ, देखो जो टीचर है ना इसको स्टूडेंट नहीं बनाता है, टीचर क्या करता है वो सबको टीचर बना देता है, सबको वो टीचर बना देते हैं। कहते जो कथा है ना क्या करता है, जो सही सही ये कथा सुनेंगे कहते उनको भी कथाकार बना देता है, उनको भी वो कथाकार बना देते हैं। हम चाहते हैं 7 दिन के अंदर में आप इतने कथा को सुनो, 7 दिन बाद ना जैसे आप एक पूरा पंडित बन जाओ, आप भी दूसरों को भी भगवान की कथा में लगाने शुरू कर दो। देखो ये कथा कैसे हो रही है आपको पता है, कैसे कहाँ से हुई, कभी यहाँ पर एक बेटी रूबी बैठी हुई है, मैंने कभी कथा मैंने ग्रेटर नोएडा में की, हमने कभी वहाँ कथा की, कथा की तो वहाँ पर हमारा एक विशाखा दीदी है ये भी कथा का सुनने के लिए आती थी, उसने कथा सुनकर उसको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि तो महाराज जी कथा सुनने के लिए आते हैं, उनको वहाँ से बुलाओ और कथा करवाओ। फिर इसने धीरे 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 इनको कथा सुनाई, कुछ सुनाई, फिर हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। इसलिए कथा सुनने का बात है ना, कथा तो ऐसे सुनो जैसे कथा सुनकर जब घर में जाओ, कम से कम अपना पति को भी कम से कम सुनाओ, हम बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनी, बच्चे को तो दुनिया की सारी बात पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे को कम से कम ठाकुर जी की कथा सुनाओ, देखना बच्चे का संस्कार बदलेगा, बच्चा संस्कारी बनेगा, फिर बच्चा तुम्हारी सेवा भी करेगा, तुम्हारी बात भी सुनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलो पढ़ो 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 पढ़ाई है, बोलो पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, इससे और कुछ हम बच्चे को सिखाते नहीं, यही चीज ही सिखाते हैं। और इतना पढ़ाई करता है ना बच्चा, इतने पढ़ाई करता है बस पिता माता को सेवा करना भूल जाता है, शादी हो गई तो पत्नी ऐसे कान में मंत्र देती है बस एक रात में बेटा का बुद्धि खराब, पिता माता को छोड़ कर चला जाता है,
हम इतने कभी कभी उसको पढ़ा देते हैं, नहीं ये भक्ति पढ़ाई भी चाहिए, पढ़ाई करो लेकिन उसको साथ में भक्ति की पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। इसलिए आप ऐसे कथा सुने, कथा सुनने के बाद जैसे बच्चे को जाकर के थोड़ी बहुत कथा सुना सकते हो, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण, कोई बोल भी रहे हरे कृष्ण, बोलो खुद बोलो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, अज्ञान में भी कथा में बैठ के तुम्हें पता ही नहीं क्या इसका फल है। ये श्री वाल्मीकि कहते हैं, बोले एक समय ये पृथ्वी में एक राजा रानी थे जिनका नाम था सुमति और सत्यवती। लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी ध्यान दे कृष्ण ठाकुर सेवा के रूप में भरते, घर में राम दरबार है उनकी, अपना हाथों से राजा है मंदिर बनाए, स्वयं राजा रानी मंदिर परिष्कार करते हैं, ठाकुर के लिए सुंदर माला बनाते हैं, भगवान के लिए अपना हाथों से श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते अपना हाथों से। अगर थोड़ी सी समय मिल जाए ना उनको है, दोनों बैठ करके ऐसी जो माला है ना, दोनों ये माला ले लेते हैं और दोनों ये माला लेकर घर में बैठते हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव, सब पीछे पीछे बोले बोलो जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति पतित पावन सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, माला जब करते हैं। अगर ज्यादा समय मिल जाए फिर क्या करते हैं, राजा स्वयं वहां बैठ करके रामायण पढ़ते हैं और स्वयं उनकी पत्नी रानी सामने बैठ करके राम कथा सुनती है। एक समय एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांड ऋषि, उन्होंने ये चीज को देखकर भी इतने आश्चर्य में पड़ गए, बोले देश का राजा रानी लेकिन अपना हाथों से ठाकुर का सेवा और स्वयं माला जब करते हैं, स्वयं बैठ कर रामायण पढ़ते हैं। अभी ऋषि को तो बड़ा आश्चर्य लगा, तो उन्होंने प्रश्न की है, राजा महारानी आपकी भक्ति कैसे प्रभु की भक्ति में हो गई। अगर हमने कोई मंदिर बना दिया ना क्या करेंगे, कोई पूजा कर लेंगे लेकिन स्वयं अपने हाथों से सेवा नहीं करेंगे, नौकर रखे देंगे उसको पूजा पैसा दे करके महीना में उसको सेवा का लगाएगी, स्वयं बैठ कर भजन नहीं करेंगे। लेकिन राजा स्वयं भक्ति कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा आप ऐसे क्यों करते हो, देखो वो क्या कहता है, बोले बाबा मैं जाति स्वर हूँ। बोले जाति स्वर का मतलब क्या, बोले जिनको पूर्व जन्म की बात याद रहे, मेरे को चार ही जन्म की बात याद है। बोले चार ही जन्म, बोले हाँ, बोले बताओ बताओ क्या चार जन्म की बात। बोले संतों के सामने कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, संतों के सामने दिल खोल कर बोल दो, और दूसरी बात बताए कहते अपना अगर कोई भगवान की स्वप्न देखा, बढ़िया स्वप्न देखा ठाकुर जी की, सबको मत कहा करो,
जो तुम्हारी भाव को नहीं समझते हैं, अगर वो व्यक्ति का अगर तुम्हारी सपने की बात बताए ना ठाकुर जी, फिर वो खत्म हो जाएगी। हाँ, उनको बताओ जो ये चीज को समझ पाएंगे, आके तुमको जो उत्साह देंगे उनको ये बात बताओ है। बोले आप तो संत हो, अभी तक मैंने ये बात किसको नहीं बताई जीवन में, पहला बार आपको बता रहा हूं। पूर्व जन्म में मेरा नाम था मालिक, बहुत बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई गंदा काम नहीं मैंने जो नहीं किया, शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्या गमन करना, मारना, आग लगाना, चोरी, सारे मैंने बदमाशी काम की। परिवार वाले दुखी होकर के मेरे को घर से निकाल दिया। मेरी जो पत्नी देख रहे, इसका नाम थी कालिका, इसने तो अपना पति को ही मार दी, उसने इसका परिवार भी उसको घर से निकाल दिए। अभी हम दोनों ढूंढते ढूंढते जंगल में कैसे हम दोनों मिल गए, देखा ला अकेला अकेला जीवन बीत नहीं रहा है, दोनों रहना शुरू की, जानवर को मार करके मांस खा करके जीविका निर्वाह करते। लेकिन जब दोनों वृद्ध हो गए और हमसे आहार संग्रह नहीं हो पा रहा, बड़ी कष्ट से हम जीवन बिता रहे थे। एक दिन हमने देखा पास में श्री वशिष्ठ जी के आश्रम था, हमने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए, हमने देखा भैया आज इतने लोग यहाँ पर क्यों बैठे, चलो। हमने देखा वहां पर श्री राम कथा, 9 दिन तक श्री राम कथा होगी, और जो व्यक्ति ये कथा सुनने आएंगे कथा के बाद में उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था। हमने देखा भैया 9 दिन तक तो करे कोई चिंता नहीं, कथा में बैठ जाओ, कथा समाप्ति हो जाएगी फिर हमें प्रसाद मिल जाएगा। केवल प्रसाद लोभ से हमने 9 दिन तक प्रभु की कथा सुने और भगवान की प्रसाद पाए। जब कुछ दिन बाद में हमारी मृत्यु हुई, जब दूध हमें पकड़ करके ले गए और जब महाराज को सामने खड़े कर दिया, चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो। चित्रगुप्त मतलब क्या जानते हो? चित्रगुप्त, चित्र मतलब फटो लेना, गुप्त मतलब गुप्त रूप में। अगर भले ही 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में तुम दरवाजा बंद करके तुम क्या कर रहे हो ये मत समझो, कोई नहीं देख रहा है। इसलिए भागवत में बताया जो सूर्य का किरण है ना वो सब जगह में, ये सूर्य का किरण साथी है, रात को ये अंधकार सब जगह में ये इसका साथी है, ये 10 दिशा साथी है। जो अपने आप जो हम कर रहे हैं, जो फटो अपने आप खींच जाती है। कोई कोई बोलता है ना, अरे कौन देखता है कौन किया गया, बोल देखो आपका जो काम करते हो तनख्वाह कब मिलता है, महीना का लास्ट में तनख्वाह कब मिलती है, ये महीना के लास्ट में ही मिलेगी। इसलिए जीवन में जो हम कर्म करते हैं ना मिलेगा, लेकिन जीवन का लास्ट में मिलेगा। बोले भैया इसका कापी खोलो, इसने कितने पाप और कितने पुण्य की। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु जी तो बड़ा दुष्ट, दोनों ही बड़े दुष्ट थे, इनका कोई पुण्य नहीं, बहुत पाप किए। बोले थोड़ी बहुत तो पुण्य भी तो होगा। बोले हाँ, कहीं वशिष्ठ जी के आश्रम में प्रभु राम की कथा हो रही थी, ये दोनों ने कथा 9 दिन तक सुने और कथा के बाद में ठाकुर जी की प्रसाद पाए। जब महाराज बोले राम कथा 9 दिन तक सुने फिर ठाकुर जी की प्रसाद भी पाए। बोले हाँ, बोले जितना पाप सब काट दो, इनके सारे पाप को खत्म कर दो और हम दोनों को रमा वैकुंठ में जा गया। 100 साल तक इतने ऐश्वर्य, इतने भोग की आपको वर्णना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम दोनों को ब्रह्मलोक में भेजे, वहां पर भी 100 साल तक हमने रहे, सारे ऐश्वर्य को भोग किए। उसके बाद में फिर इंद्र इंद्राणी स्वर्ग की बने, सारे ऐश्वर्य भोग किए। उसके बाद में 100 साल के लिए मर्त्य जगत में आए, अब तो हमारे ठाड़ वाड़ देवी रहे राजा रानी। ये हमें 4 जन्म की बात याद है। अगर हमने अनजान में ठाकुर जी की कथा में बैठ गए, ठाकुर को प्रसाद पाकर अगर इतने पुण्य हो सकता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी समय को नष्ट नहीं करते हुए अपना हाथों से ठाकुर को हम सेवा कर रहे, स्वयं बैठ करके राम के नाम जप करते हैं, और समय हो तो दोनों पति पत्नी बैठ करके राजा रानी राम कथा हम सुनते हैं। हमें पता चला भगवान की भक्ति में कितने शक्ति। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं नह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यभायन विद्यते सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत्मयम्। कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, बोले हे अर्जुन अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी कोई करता है ना
उसको महत भयात, महत मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा का पंचमा लाभ क्या है? बोले श्रवण मंगलम। अगर अनजान में भी आप भागवत कथा सुन रहे हो, जब जाओगे ना श्री तापी में चित्रगुप्त सब ले रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो फोटो ले रहे हैं, वहां पर भी दिखाएगा तुमने 7 दिन तक ये भागवत कथा में बैठे, यही पुण्य मिलेगा आपको। हाँ, और ये जो भक्ति है ना, दिन दिन बढ़त सदा, ये बढ़ेगी घटेगी नहीं। इसलिए इसका फल क्या? मंगल। फिर छठवां फल क्या? बोले श्री। बोले श्री मतलब क्या? शोभा सौंदर्य। जो कथा सुनते हैं उनका जस भी सारा दुनिया में जाते हैं। अश्री मतलब संपत्ति, श्री मतलब संपत्ति, धन दौलत। कभी जो कथा सुनते हैं घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में पैसा भी आती है। और दा मतलब बंधन, जो कथा सुनेगा संसार का बंधन भी समाप्त हो जाती है। इसलिए बोले जो उसका 8वां लाभ है, कभी जगत में बहुत बड़ा बड़ा पुण्य है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन राधा रानी कहती है श्याम सुंदर, तुम्हारी कथाओं को जो दान करते हैं इससे बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा दान श्री भगवत कथा दान। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने जो भी कथा सुनाई, जब ये कथा समाप्त हो गया, क्या देखा? गोलोक वैकुंठ से रथ आया। परीक्षित महाराज बड़े सुंदर एक गोपी रूप धारण करते हुए भूर भूभ मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए सीधा धाम पर चले गए, भगवत धाम गमन किया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल कथा में बैठे थे। और कथा समाप्त तो सीधा गोलोक वैकुंठ वृंदावन से रथ और बैठ करके सीधा सीधा कहा गोलोक वृंदावन। तब ब्रह्मा जी के तराजू लाए, तराजू का एक तरफ में उन्होंने जगत का जितने सत्कर्म है, जगत का जितने पुण्य, तराजू का एक तरफ रख दी, और तराजू के दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा की महिमा को धरा। उन्होंने देखा जिधर उन्होंने भागवत महिमा को धरा ना, वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा। दूसरे तरफ में जगत का जितने सत्कर्म और पुण्य सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया, ये सब के सब ऊपर उठ गया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला, भैया ये भागवत कथा जैसे, इसका पुण्य जगत में और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए जगत में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ये भागवत कथा को जो दान करते हैं। इसलिए ये परिवार के लोग जो कथा करवा रहे हैं, हैं? क्या पिताजी का नाम क्या? राघवेंद्र, राजेंद्र, इंद्र। इसलिए इन्होंने जो ये भागवत कथा रखवाया है, समझो ये बहुत बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ नहीं हो सकता है। एक बार भागवत की जयकार लगा बोल रहे हो, श्रीमद् भागवत कथा श्री राधा नाम ते जाए।
तो ये वृंदावन कौन कौन जाएंगे? यहाँ के लोग सभी अच्छे हैं, सभी लोग जाएंगे। तो आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, और जो नाच सके और नाच भी सकते हैं कोई मना नहीं है, ठाकुर जी के सामने नाचना चाहिए, क्योंकि भक्तिपति मीराबाई कन्हैया को रिझाने के लिए क्या क्या किया, दीवानी बनी और मेरा नाची नाची थी। इसलिए आइए सभी नाचते बोलते भाई वृंदावन धाम चलेंगे। अरे वृंदावन धाम निकल कर जाता कहाँ है, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए।
तो दूसरे संतों बोले ऐसा है जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर में बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते, तो आप सोचे क्या करेंगे। इसलिए मीठी मीठी ताली को की सहयोग सभी लोग Yeah.
Let's go.